राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से माडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के पूर्व विधायक विवेक धाकड़ के घर में संपत्ति के बंटवारे को लेकर कलह मची हुई है। विवेक धाकड़ ने 4 अप्रैल 2024 को आत्महत्या कर ली थी। ससुर के खिलाफ विधायक की पत्नी पद्मिनी पुलिस में शिकायत दे चुकी है। अब ससुर ने पद्मिनी के खिलाफ कोर्ट के माध्यम से FIR दर्ज करवाई है। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से माडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के पूर्व विधायक विवेक धाकड़ ने आत्महत्या की थी। अब इस परिवार की आपसी कलह सड़क पर आकर कोर्ट कचहरी और पुलिस थाने तक पहुंच चुकी है। पूर्व विधायक विवेक धाकड़ के पिता पूर्व जिला प्रमुख कन्हैयालाल धाकड़ के प्रार्थना पत्र पर न्यायालय ने एक आदेश जारी किया। भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्री पर सैकड़ों की संख्या में धाकड़ समाज के लोग सड़कों पर उतरे। विवेक धाकड़ की बेटी और पत्नी के सोशल मीडिया पर हुए वीडियो वायरल में विवेक धाकड़ के पिता कन्हैयालाल धाकड़ पर जो आरोप लगे उसके चलते सर्व धाकड़ समाज के लोगों में आक्रोश था और आज जिला कलेक्ट्री पर धाकड़ समाज की महिलाएं और पुरुषों ने कन्हैयालाल के समर्थन में जुलूस निकाला और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन SP और जिला कलेक्टर को सौंपा। महिला है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ अधिकार की बात करें, पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जिम्मेदारियां निभाएं। मैं भी एक महिला हूँ, बेटी हूँ, बहन हूँ और किसी की माँ हूँ। इस तरह आप उस चीज को मिसयूज करके किसी भी आदमी को और किसी भी परिवार जन को प्रताड़ित करने के लिए अधिकारित नहीं है। और ये एग्जाम्पल होगा जो कि सब लोग समझेंगे कि महिला की आड़ में आप किस तरीके का गेम खेल रहे थे। इसमें सुभाष नगर थाने में पूर्व विधायक की पत्नी सहित 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिए गए हैं। पूर्व विधायक विवेक धाकड़ के पिता कन्हैयालाल धाकड़ ने कोर्ट में इस्तगासा दायर कर अपनी पुत्रवधु पद्मिनी और 6 महिलाओं के खिलाफ FIR दर्ज करने की प्रार्थना की थी। इकट्ठे कर रखी थी, उनको भी बुला लिया और हमारे साथ मारपीट की और गंदी गंदी गालियां दे रहे। फिर हमने पुलिस को फोन लगाया तो पुलिस आई, फिर पुलिस के सामने भी सर इन्होंने गालियां दी। फिर पुलिस बोली कि हमारे संग दोनों पार्टी थाने में चलो, थाने में निपटारा करें। थाने में सर हम शाम तक 8 बजे तक बैठे रहे। फिर उसके बाद पुलिस बोली कि हमने कहा सर हम कहाँ जाएं, तो बोले कि आप अपनी व्यवस्था देख लो, रेंट वेंट की जो भी आपको देखनी है कुछ व्यवस्था देख लो, और नहीं तो फिर देख लो अगर वहाँ जाना है, लेकिन वहाँ आपके लिए सेफ नहीं है, मारपीट होगी और कुछ भी आपके संग हो सकता है, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। फिर सर हम घर आए, घर आके हम जैसे ही ऊपर गए, इन्होंने और भी लोगों को इकट्ठा कर लिया, कुछ गुंडों को भी इकट्ठा कर लिया। धाकड़ समाज के जो लड़की है वो भी हमें परेशान पहले से ही कर रही थी, 8-10 लड़के इकट्ठे कर लिए और इनके बहुत सारे रिश्तेदार इकट्ठे थे। तो जैसे ही हम रूम में जाने लगे, ये लोग हमें धक्का देते हुए बाहर ले आए कि यहाँ एंट्री नहीं है तुम्हारी, निकलो यहाँ से, गंदी गंदी गालियां दी। ये सारी नौबत क्यों आई, क्या वजह है इन सबके पीछे, कौन सी नौबत ये जो घटनाक्रम आप बता रहे हैं, ये क्यों हुआ, इसके पीछे की वजह क्या है वो बताएं। सर ये जो केस था, इस केस में मेरे क्या केस था, पूरा केस था, नाम बताएं, कौन कौन जिम्मेदार है, उनके नाम बताएं। ये मेरे हस्बैंड की जो डेथ हुई है, क्या नाम है आपके हस्बैंड का, नाम बताएं पूरा भी है। मेरे हस्बैंड श्री विवेक जी ठाकुर जी, उनकी जब से डेथ हुई है, ये लोग टॉर्चर तो मेरे को सर पहले से ही कर रहे थे, बहुत पहले से ही मैं टॉर्चर हूँ। पर मेरे सर ये कहते हैं अरे फादर इन लॉ बुजुर्ग है, रहने दो, अवॉइड कर दो, उनका तो शुरू से ही नेचर ऐसा है जी। और उसके लिए और सिस्टर के लिए भी ये कहते हैं वो तो शादी नहीं हुई, फ्रस्ट्रेट हो गई है, तो इसलिए उसको भी अवॉइड कर दो। मारपीट करते रहते, कहते अगर तुम बाहर लाओगी इन सब बातों को मेरा पॉलिटिकल करियर खराब हो जाएगा उससे। अच्छा। तो सर पहले से भी मैं अवॉइड करती आ रही थी, और यहाँ तक कि इनके घर में सर ये पहली सुसाइड नहीं है, मेरी मदर इन लॉ ने भी मेरी शादी से एक दो साल पहले सुसाइड की थी। अच्छा। उसका कारण भी मेरे फादर इन लॉ का टॉर्चर था। तो उस मतलब ये टॉर्चर तो पहले से ही कर रही थी, पर जब से उसके बाद जब ये घटनाक्रम हुआ उसके बाद भी वही टॉर्चर जारी था, और ये शुरू से ही घर से निकालने की वो दे रहे। फिर इस केस को लेकर भी इन्होंने मेरे से पुलिस को गलत बयान देने के लिए कहा कि ये कह दो कि आप हस्बैंड बाथरूम में आए, वो टॉयलेट के लिए आए थे और वहाँ गिर पड़े और उनकी नस मतलब किसी धारदार चीज से नस कट गई और उनकी डेथ हो गई, पुलिस को ये देना है इस चीज में, कोई झंझट में नहीं पड़ना, और अगर पुलिस को कुछ वो मिलते भी है तो पुलिस को हम मैनेज कर लें। मतलब झूठा बयान देने के लिए आपको उकसा रहे थे। हाँ जी, आपने मना किया इसलिए आपके साथ में मारपीट की और आपको घर से बाहर निकाल दिया। हाँ जी, मैंने उस पर हेल्पलाइन नंबर CM हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर दिया था, पुलिस में भी एक कंप्लेंट दर्ज करवा दी थी जिसकी इनको भनक लग गई, और उसके बाद से ही ये मेरे से उसके बाद से ही सर ये सारा घटनाक्रम हुआ। तो अब आप SP साहब के पास आए, उन्होंने क्या जवाब दिया, क्या आश्वासन दिया आपको? SP साहब ने ये कहा कि जांच निष्पक्ष कराएंगे,
पुलिस किसी के प्रति निष्पक्ष भाव से जांच करेगी, लेकिन इस वाले मैटर में जो आप भटक रहे हो रोड पे, ये जो भी चल रहा है, ये जो घर की प्रॉब्लम हम सॉल्व नहीं कर सकते, ये पुलिस का मैटर नहीं है, तो वो व्यवस्था आपको अपने आप करनी। तो अभी आप रोड पे रहने के लिए मजबूर है सर, हम इधर उधर भटक रहे हैं, क्या करें, हमारा यहाँ भीलवाड़ा में कोई जानकार भी नहीं है कोई, और यहाँ पे सब जगह मेरे पीछे गुंडा भेज रहे हैं। कल से कहाँ रह रहे थे आप? कल से कहाँ से रह रहे हैं? सर हम इधर उधर भटक रहे हैं, मंदिर के पास बैठी हुई थी, एक मंदिर है घर के पास, उधर ही बैठी हुई थी, और इस तरीके से हम भटक रहे हैं, लेकिन सब अब आप क्या चाहते हैं? सर मैं ये चाहती हूँ कि हमारी कुछ रहने की थोड़ी टेम्परेरी, मेरे हस्बैंड की जांच, निष्पक्ष जांच हो जाए, एक तो उनको न्याय मिले सर, हमें न्याय मिलना चाहिए, और दूसरे हमारी कुछ रहने की, पुलिस से हम ये चाह रहे थे कि वो थोड़े टाइम के लिए हमारी व्यवस्था इस मकान में करा दे या कहीं करा दे, जब तक हम रेंट पे अपनी व्यवस्था नहीं कर लेते। निष्पक्ष जांच की बात कर रहे हैं आप, क्या आपको लगता है कि उनका मर्डर हुआ? सर मर्डर वो सब मेरे को नहीं पता है, लेकिन जो सुसाइड हुई है उसके पीछे भी मेरे फादर इन लॉ ही रिस्पॉन्सिबल है पूरी तरीके। आप घटना वाले समय कहाँ थे? घटना वाले जिस दिन ये घटना हुई, उन्होंने सुसाइड जो किया, उस वक्त आप कहाँ मौजूद थे? उस टाइम सर ये तो फादर इन लॉ उस रूम मतलब फादर मेरे हस्बैंड खाना खाने के बाद सीपी जोशी साहब के नामांकन से जब वापस लौटे तो मैंने खाना लगाया, खाना खाने के बाद वो ये बोले कि मैं पिताजी के कमरे में जा रहा हूँ थोड़े डिस्कशन करने, मतलब बातें करने, वो उनका रोज का रूटीन था, रात में वो खाना खाने के बाद उनके रूम में जाते थे, घंटों तक उनकी बातें होती थी, क्या ये बहुत बार लड़ाइयां में बदल जाती थी, मारपीट भी वो करती थी हस्बैंड के संग, और सिस्टर इन लॉ भी मारपीट करती, 4-5 दिन पहले वो मेरे संग भी मारपीट करके गई। अच्छा। तो उस दिन मैं ये बुढ़िया की तबीयत खराब थी, जिस रूम में हम तीनों रहते थे उस रूम में हम चले गए थे, फादर इन लॉ के रूम में चले गए थे, तो उसकी तबीयत खराब थी, मैंने इसको मेडिसिन वगैरह दी, फीवर नहीं उतरा तो पट्टी वट्टी रखी, उसके बाद मैं सो गई जब ये सही हो गई, फिर ये रात में अपनी कुछ पढ़ाई वढ़ाई कर रही होगी रात में, बाद में इसने मेरे को बताया कि मम्मा रात में उसकी चिल्लाने की आवाज आ रही थी दोनों की। दूसरी ओर पूर्व विधायक विवेक धाकड़ की पत्नी पद्मिनी और उनकी इकलौती बेटी अवनी ने रविवार रात को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया था। इसमें अवनी ने अपने दादा और बुआ पर मारपीट कर घर से निकाल देने का आरोप लगाया था और मदद की अपील की थी। पूर्व विधायक विवेक धाकड़ की पत्नी पद्मिनी ने आरोप लगाया कि मेरे ससुर मुझे घर में नहीं रहने दे रहे हैं, मैं कभी कहीं और जगह रहती हूँ तो मेरे पीछे गुंडे लगा देते हैं। मेरा नाम अवनी धाकड़ है, मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय विवेक धाकड़ है, वो कांग्रेस के एक्स एमएलए रह चुके हैं, अभी थोड़े टाइम पहले उनकी संदेहास्पद मृत्यु हो गई थी, उसकी निष्पक्ष जांच के लिए मेरी मम्मी ने मेरे दादाजी कन्हैयालाल धाकड़ से कहा, इस बात से उन्होंने और मेरी बुआओं ने मेरी मम्मी को और मुझे मार पीट करके घर से बाहर निकाल दिया। रात के 11 बजे हम यहाँ पे रोड पे अकेले घूम रहे और कोई भी मदद नहीं कर रहा है, पुलिस वाले भी नहीं कर रहे, तो जो भी मेरे पापा को जानते हैं हमारी मदद। बताते चले कि कांग्रेस के टिकट पर 3 आम चुनाव लड़कर चुनाव हार चुके और 1 उपचुनाव में जीत का सहरा बंधवा चुके मांडलगढ़ के पूर्व विधायक विवेक धाकड़ ने 4 अप्रैल 2024 को आत्महत्या कर ली थी। भीलवाड़ा शहर के सुभाष नगर स्थित अपने आवास में उन्होंने अपनी जान दे दी थी। उस समय विवेक की पत्नी पद्मिनी, बेटी अवनी और उनके पिता कन्हैयालाल धाकड़ घर में मौजूद थे। विवेक धाकड़ की 2 बहनें हैं, 1 बहन अमेरिका में रहती है जो अपने पति के साथ वहीं सेटल है। विवेक की दूसरी बहन सुभाष नगर मकान में रहती है जो अविवाहित है। कल रात को फिर हम जब पुलिस थाने से वापस आए तो जैसे ही हम कमरे तो हमारे जो कमरे थे वहाँ पे जा रहे थे तो वो सारे रिश्तेदार और दादू और भी जो लोग थे वो हमारे साथ मतलब धक्का वक्का देके और हमको घर से बाहर निकाल दिया। फिर उसके बाद पुलिस आई तो है ना कुछ हो नहीं पाया, तो फिर हम इधर उधर फिर घूमते रहे। रात भर कहाँ बिताए आपने? मंदिर के पास इधर उधर बैठे और फिर ऐसे ही निकाल। और आज सुबह से क्या करें, खाना वाना खाया आपने? तो वो क्या है कि घर से निकलते समय पैसे वैसे नहीं लेके आए थे तो पैसे ही नहीं थे, सुबह से खाना भी नहीं खाया आपने। विवेक धाकड़ की आत्महत्या के बाद इस परिवार में प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा है। पूर्व विधायक विवेक की पत्नी सरकारी स्कूल में टीचर है और बेटी 10वीं पास कर चुकी है।
न्यायालय के द्वारा अपनी पुत्रवधु के खिलाफ FIR दर्ज करवाने का आदेश एडवोकेट सुभाष डांगी के माध्यम से प्राप्त किया। पूर्व जिला प्रमुख कन्हैयालाल धाकड़ के प्रार्थना पत्र पर भीलवाड़ा के न्यायिक मजिस्ट्रेट पश्चिम ने IPC की धारा 306, 406, 506, 323 और 120 के अंतर्गत उनके बेटे विवेक धाकड़ की पत्नी पद्मिनी के अलावा अनिता आर्य, वंदना सिंह, नर्मदा सिंह, कृष्णा देवी, कावेरी के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। पूर्व जिला प्रमुख कन्हैयालाल धाकड़ ने अपने इस्तगासे में बताया कि 25 अप्रैल को वह भीलवाड़ा के पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत से मिले। उन्होंने बहू की शिकायत की थी, फिर 5 मई को सुभाष नगर पुलिस स्टेशन में भी रिपोर्ट दी, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया, इसलिए कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। पूर्व जिला प्रमुख कन्हैयालाल धाकड़ ने अपने बेटे पूर्व विधायक विवेक धाकड़ की मौत के लिए अपनी पुत्रवधु पद्मिनी को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि वह उसे परेशान और प्रताड़ित करती थी, इसी वजह से उनके बेटे ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया है। उन्होंने अपने प्रार्थना पत्र में यह भी लिखा है कि उनके बेटे की मौत के बाद उनके पुत्रवधु पद्मिनी परिवार को खत्म कर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करने की बात कहती थी। मैंने कल मीडिया के थ्रू बिटिया का एक वीडियो देखा था, वो आज पूरे दिन वायरल हो रहा है। मैं सबसे पहले मीडिया को धन्यवाद दूंगी कि एक बेटी का दर्द उन्होंने जनता के सामने लेके आए, क्योंकि मेरे से भी देखा नहीं गया, मेरी भी आंखें भर गई, क्योंकि आज एक बेटी का बाप गया है और पत्नी ने अपना पति खोया है। कुछ भी हो पारिवारिक मामला, लेकिन जो इनको घर के द्वारा प्रताड़ित किया गया, दादा के द्वारा, जिसके भी द्वारा किया गया, वो बहुत गलत किया गया। रात के समय एक जवान बेटी को घर से निकाल दिया गया है 11 बजे, जो मैंने वीडियो में सुना, वो बहुत गलत किया है, क्योंकि आज बेटी और माँ दर दर घूम रही है। आज खाना इन्होंने दिन भर से नहीं खाया, मैंने अभी बाहर कलेक्ट्री के बाहर रोड से निकल रही थी, गुहार लगाने के लिए बाहर बैठे थे, मैं मिलने गई थी, एक दो बार कहीं मिले थे, जो पहचान गई थी बेटी और माँ को, तो मैं वहां रुकी, इनका दर्द पूछा, तो उन्होंने बोला कि मैं कलेक्ट्री आई हूँ, SP साहब के पास इंसाफ की गुहार मांगने के लिए। क्या करेंगे सुबह से? मैं मदद के तौर पे अभी तो हेल्प करके इनको बसास के खाना वाना खिलाऊंगी सबसे पहले, क्योंकि एक महिला होने के नाते एक महिला और बेटी का मतलब फर्ज पूरा निभाऊंगी, फिर जो होगा हम देखा जाएगा कि हमको क्या करना है, अभी हम सुनेंगे। वहीं दूसरी ओर विवेक धाकड़ की पत्नी पद्मिनी ने भी पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत से मिलकर अपने ससुर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। भीलवाड़ा के पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने बताया कि दोनों मामलों में FIR दर्ज कर ली गई है, वहीं मामले की जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब के श्री राजस्थान।